अगर तुम्हें यूट्यूब से टेक्निकल इश्यूज में, तो फ्रेंड्स देखिए मेरे पास एक आज फ्लिपकार्ट का बॉक्स पैकिंग है, तो जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक केटल, मैं कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक केटल का अनबॉक्सिंग किया था, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हो आई बटन में मैं इसका लिंक छोड़ दूंगा, तो आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक केटल है, ये हैवेल्स का है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, का जो प्राइस है लगभग मुझे पड़ा है 1475 के आसपास, यानी कि लगभग 1500 रुपये का पड़ा है। ये एक हैवेल्स का इलेक्ट्रिक केटल है, चलो इसको खोल लेते हैं बॉक्स पैकिंग को, ठीक है। इसको फाड़ ही देते हैं, क्या खोलना है, फाड़ के पूरा जिगर खा रही है। पूरा पैक्ड अप करके दिया है इसमें, तो चलिए ये तो निकल गया है, ठीक है। तो देखिए बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हैवेल्स का ब्रांडिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वा प्लस ब्लैक 1.2 लीटर 1500 वाट का है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, इसका फीचर जो है देख सकते हैं आप, 304 स्टेनलेस स्टील इंटीरियर, कूल टच आउटलेट बॉडी है, और ये पे लिखा हुआ है वाइडर माउथ फॉर इजी यूसेज, ठीक है। कूल टच बॉडी, यानी कि इसके अंदर का जो पार्ट है वो गर्म हो जाएगा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं होगा। इसके कूल टच का मतलब वही है, ठीक है, बाहर जो है वो नॉर्मल ठंड रहेगा, ठीक है। तो इसका प्राइस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि 3295, लेकिन ये लगभग आपको 500 रुपये में मिल जाएगा। बेस्ट बाइंग लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप, पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आइटम ने इलेक्ट्रिक केटल आइटम कोड दिया गया है, मॉडल नंबर दिया गया है, कलर है ब्लैक, ठीक है। नीट क्वांटिटी है 1N, ठीक है। नीट कंटेंट है 1N केटल 1.2 लीटर का, ठीक है। और बहुत कुछ यहाँ पे लिखा गया है, आप मतलब पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं फटाक से, देख लेते हैं इलेक्ट्रिक केटल कैसा है। तो बॉक्स में कुछ भी सील नहीं है, ऐसा ही एज इट इज है, शायद ऐसे ही होगा। तो देखिए हैवेल्स जो है बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है, मेरा घर में बहुत सारा हैवेल्स का प्रोडक्ट है, तो मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट केटल, इलेक्ट्रिक केटल है ये, ठीक है। तो चलिए ये मेन इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है, इसे हम साइड पर रखते हैं, ठीक है। और ये है इसका बेस, ठीक है। बेस का जो क्वालिटी है वो बहुत ही टफ क्वालिटी, आप देख सकते हैं थोड़ा भी बैंड नहीं हो रहा है, ठीक है। और अंदर कुछ भी नहीं है, एक वारंटी कार्ड है, ठीक है। ये जो है हैवेल्स का वारंटी कार्ड है, हर प्रोडक्ट के अंदर ऐसे ही वारंटी कार्ड हैवेल्स प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो और क्या है, और ये है मेरा बिल है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका प्राइस जो है, आप देख सकते हैं इधर इसका प्राइस दिखा देता हूँ, देखिए 1475 है, ठीक है, इसका बड़ा है मुझे, ठीक है। और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, बॉक्स पूरा खाली है, तब बॉक्स को फेंक देते इधर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक केटल को देख लेते हैं, मेन यूनिट को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक केटल का जो क्वालिटी है, इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है बहुत ही अच्छा क्वालिटी, आप देख सकते हो पूरा शाइनी फिगर है इसका, पूरा शाइन कर रहा है, आप देख सकते हो पूरा, ठीक है, शाइनी फिगर है इसका पूरा, ठीक है। इसका क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल का जो मतलब बॉडी है, इसका क्वालिटी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही मस्त है यार, मतलब हाथ में पकड़ में ही लगता है प्रीमियम क्वालिटी लग रहा है ऐसा, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं इसका लीड है, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इसको लीड को खोलने के लिए ऐसे प्रेस करके, ठीक है, देखिए प्रेस करने के साथ लीड इसका ओपन हो जाता है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे हैवेल्स का ब्रांडिंग दिया गया, इलेक्ट्रिक केटल है एक्वा प्लस, इसका मतलब मॉडल नंबर है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इस साइड इसका पावर ऑन ऑफ बटन है, ठीक है। और इसके साथ ही इसका पावर ऑन ऑफ बटन के साथ साथ ही पावर इंडिकेटर लाइट यहाँ पे जलता है, ठीक है। और ऑटो कट के साथ आता है, आपको पता ही होगा कि ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, ठीक है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप खरीद सकते हैं। चलिए इसको ऑन करके हम देख लेते हैं कि पानी कैसे गर्म हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं इसके अंदर पानी थोड़ा सा पोर करके ले आया हूँ, थोड़ा सा फिल करके, ठीक है। तो चलिए इसको मैं बंद करके देखता हूँ कि कितना टाइम लग रहा है गर्म होने में, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के पहले आपको क्या करना होगा, इसका लीड को इसका जो वायर है वायर को आपको क्या करना होगा, इसका इसको ले आना होगा ऐसे ही करके, ठीक है, फिट करना होगा। उसके बाद आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम अपने। तो वायर जो है, वायर का लेंथ जो है बहुत ही अच्छा है, बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। तो इससे पहले मैं दो इलेक्ट्रिक केटल का अनबॉक्सिंग किया था, केंट का था और दूसरा था एक प्रेस्टीज का। तो उसका दोनों ही मैं लिंक जो है मैं आई बटन में छोड़ रहा हूँ, आप जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं फटाक से। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं इलेक्ट्रिक केटल को पावर से कनेक्ट कर चुका हूँ। आप देख सकते हो वायर का जो लेंथ है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, छोटा है, लेकिन काम चला हुआ है, ठीक है। तो मैं पानी पोर कर चुका हूँ इसके अंदर, तो मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। ऑन करने के साथ साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पावर इंडिकेटर लाइट यहाँ पे लाइट अप हो चुका है, ठीक है। अभी देखते हैं कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ 4x में, ठीक है। पानी पूरा उबल रहा है, आप देख सकते हैं आवाज़ भी आ रहा है और अभी भी कट ऑफ नहीं हुआ, अभी कट ऑफ हो गया, ठीक है। तो यानी कि पानी जो है फुल गर्म हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको खोल के हम देख लेते हैं कि पानी का हालत कैसा है, ठीक है। इसको उठा लेते हैं हम बेस से, ठीक है। लीड को खोलने के लिए ऐसे बटन प्रेस करूँगा, ठीक है। तो देखिए पानी पूरा टकबक टकबक करके पूरा उबल रहा है, पूरा पानी पूरा गर्म हो चुका है, ठीक है। तो ये लगभग गर्म होने में लगभग देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ है वो जिसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है तो फर्स्ट टाइम गर्म होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, उसके बाद यूज़ करने के साथ साथ ही इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो गर्म होता है तो जल्दी से हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैं गर्म किया हूँ, लगभग पानी गर्म होने टाइम लगा है लगभग 45 सेकेंड लगा है। तो यही था इलेक्ट्रिक केटल आज का। तो इलेक्ट्रिक केटल का क्वालिटी है बहुत ही अच्छा और हैवेल्स जो ब्रांड है वो बहुत ही अच्छा ब्रांड है, आप जाके खरीद सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। Through the highways, till my shadow